हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्दियों के मौसम में नॉनवेज खाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और इसमें यदि चिकन हो तो क्या कहने। जी हाँ दोस्तों, चिकन शरीर के लिए लाभदायक और आसानी से हजम हो जाने वाला खाद्य है। चिकन खाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष चिकन खाने के फायदे के विषय में बात करूंगी। तो दोस्तों, मैं रिंकू ज्ञान प्रवाह चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, चिकन खाने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। फायदा नंबर एक, चिकन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बाजार से चिकन खरीदें तो ताज़ा चिकन ही खरीद कर लाए। दुकानों में पाए जाने वाले पैकेजिंग चिकन को ना ही खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें सही सलामत सही रखने के लिए, खराब ना हो उसके लिए उसमें रासायनिक तत्वों का मिश्रण मिलाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता, और उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ताजे खरीदे गए चिकन में प्रोटीन की मात्रा सही रहती है। 100 ग्राम चिकन में कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चिकन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और फैट कम, इसलिए शरीर के विकास के लिए या जो व्यक्ति अपना मसल बढ़ाना चाहते हैं उन्हें चिकन का सेवन जरूर करना चाहिए। फायदा नंबर दो, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है तो उन्हें चिकन अवश्य ही खाना चाहिए, क्योंकि चिकन में अत्यधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करता है। फायदा नंबर तीन, चिकन में फास्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत और दांतों को भी मजबूत करता है। फायदा नंबर चार, चिकन में एमिनो एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बच्चों के शरीर के विकास के लिए तथा उनको लंबाई में बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो बच्चों के विकास के लिए हमें उनके खाद्य में चिकन जरूर देना चाहिए। फायदा नंबर पाँच, चिकन में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सर्दी जुकाम होने के समय यदि आप उबले हुए चिकन में गोलमरीच डालकर खाएं तो इससे आप लोगों को बहुत ही आराम मिलता है। फायदा नंबर छः, चिकन में विटामिन B6 पाया जाता है जो कि हेमोसिस्टिन लेवल को ठीक रखता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। फायदा नंबर सात, चिकन में सेलेनियम नामक मिनरल पाया जाता है जो कि गठिया रोग होने नहीं देता, अतः जो लोग चिकन खाते हैं उन्हें गठिया रोग नहीं होने का चांसेस अधिक रहता है। फायदा नंबर आठ, चिकन में नियासिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि कैंसर के रोग में लाभकारी होता है, जो कि कैंसर नहीं होने देता है। फायदा नंबर नौ, जो लोग अपनी वजन को कम करना चाहते हैं वो चिकन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई लेवल का प्रोटीन पाया जाता है। फायदा नंबर दस, जो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो लोग चिकन अवश्य खा सकते हैं, क्योंकि चिकन में जिंक पाया जाता है जो कि भूख को बढ़ाता है। तो यदि आप लोग एक कटोरा चिकन सूप खाएं तो इसके बाद आप लोगों की भूख अवश्य ही बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों चिकन खाने के फायदे। इसके अलावा भी चिकन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तनाव एवं डिप्रेशन को कम करता है। तो दोस्तों, आप अपने खाद्य में चिकन को जरूर इस्तेमाल करें, चिकन खाने के ढेर सारे फायदे होते हैं। अतिरिक्त मात्रा में चिकन सेवन करने से वो हानि भी करता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। चिकन खाने से क्या क्या नुकसान होता है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।